हाँ तो गाइस सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ आपके लिए नया गेम प्ले लेके TDM का, जो कि 1v1 ओनली कार 98 का। अपने भाई के साथ मैं खेल रहा था 1v1, और अभी मेरी फर्स्ट आईडी 1 मंथ के लिए बैन हो चुकी है, तो उससे मैं नहीं खेल पा रहा। अपनी मेरी ये दूसरी आईडी है, और यहाँ पे आगे मैं बीच में आया, यहाँ से मुझे AWM मिल गया लेजेंडरी गन। उसके बाद मैंने दोबारा से आगे आया, तो इधर मैं देखूँ इसके स्पॉन एरिया पर तो नहीं है, तो वो उसके पीछे ही था। तो मैं वहाँ आया, मैंने कोई किसको ट्राई किया लेकिन वो नहीं लगा। फिर मैंने दूसरा लिया, वो भी इसको नहीं लगा। उसके बाद मैंने ये मुझ पर पीक लेके खड़ा था, जैसे ही निकलूँ मारूँ, लेकिन मैंने इसको मार दिया। और अभी भी मेरी गन में कोई 2 एमओ तो अभी भी बाकी है। फिर मैंने एक और कोई स्कोप लेने की कोशिश की लेकिन नहीं लगी। फिर एक और लेने की कोशिश की, ये भी नहीं लगी। फिर मैंने कार 98 पर स्विच किया, फिर मैंने इधर एक और मारा, ये भी मैस, यहाँ पर भी मैस हो रहा था। फिर यहाँ पे शायद एक मैगजीन मारने के बाद फिर मैं थोड़ा घूम के गया था इसके पीछे ताकि मैं इसको मार सकूँ, उसने मुझे यहाँ पे एक मार दिया उल्टा। फिर यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे भी नहीं लगी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से रिलोड की अपनी कार 98 को, तो इसमें ये मसला है कि 5 एमओ ही होती है। एक और चली, फिर इसको भी, ये भी नहीं लगी, ये भी नहीं लगी। फिर उसके बाद एक और मिस हो गई। फिर यहाँ से मैं जब देखने लगा तो इसका हाथ दिख रहा था, मैंने एम लिया लेकिन जल्दी जल्दी में एम नहीं हुआ। फिर जब 1 एमओ रह गई, जब मैं थोड़ा घूम के जब आया तो यहाँ पे था। फिर जैसे ही इसने मुझे एक शॉट लिया, नहीं लगा इसका भी। फिर मैंने जब शॉट लिया तो मेरा भी नहीं लगा, और मेरी गन रिलोड पर लग गई। फिर जब ये पीक निकल के मारने लगा, लेकिन नहीं लग रही थी इसकी भी, मेरी भी नहीं लग रही थी। यहाँ पर जैसे ही मैं आया, इसने भी बराबर अपने पॉइंट्स कर लिए थे, और इसके भी 1 थे, मेरे भी 1 हो गए थे इधर पे। तो इस टाइम इस गेम में पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट कर लिया था, तो कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पे ये थोड़ा चल के आया था, मैंने इसको देखा था, तो मैंने इसको शॉट लिए थे लेकिन मिस हो गए थे। फिर यहाँ पे मैंने इसको एक और ही एमओ में, बस 4th एमओ में उसको भी मैंने मारा। फिर अपनी गन को दोबारा से रिलोड किया, फिर मैं आगे आया तो ये स्पॉन होकर दोबारा आ गया था। मैंने स्कोप खोल के दोबारा मारा लेकिन नहीं लगा। फिर उसके बाद ज़रा मेरा स्कोप खुला रह गया था, उसकी वजह से इसने मुझे मार दिया। और यहाँ पे मेरा मूवमेंट ग्लिच भी हो गया था, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा सही खेल भी नहीं पाया था। लेकिन जल्दी जब मेरी 1 मंथ के बाद नई आईडी खुलेगी, तो उस पर भी आपको गेम प्ले खेल देखने को मिलेंगे। ये मेरी सेकंड आईडी है, तो इसमें इतनी चीज़ें खुली भी नहीं है, और रैंक भी कोई प्लेटिनियम है बस इसमें, तो इसका जो गेम प्ले होगा वो भी कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन मेरे पास एक गेम प्ले पड़ा है जो कि रैंक पुश का है, और वो मेरी अपनी ही आईडी का गेम प्ले था जो कि मैंने सीज़न 19 में बनाया था, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाया था, तो वो शायद कल परसों तक वो आ जाएगा। और बीच में मेरी वीडियोज़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बुखार हो गया था, उसकी वजह से मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा था। लेकिन मेरे पास गेम प्ले पड़े थे लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसकी वजह से अब मैं वीडियो लाया करूँगा सही से। और यहाँ पे मैंने इसको एक और दफ़ा मारा, और उसकी दूसरी गन की जगह मैंने AWM दोबारा से उठा ली। यहाँ पे ये आया, ये पीक लेके मारता, मैंने इसको यहाँ पे क्विक स्कोप मारा रेड डॉट ओम से, क्योंकि ओम की 1 शॉट के लिए होता है। एक ये दोबारा आ रहा था, इसने पीक लेके मारने की कोशिश की लेकिन मैंने इसको दोबारा से मार दिया। और अपनी ओम में बस अब 3 ही एमओ बची हैं, और जब मैं आगे गया ताकि रिस्पॉन है तो मैं यहाँ से मारूं। फिर ये इसकी कुछ सेंसिटिविटी का मसला हुआ था, तो ये दोबारा गया था कि सेंसिटिविटी सही करने, इसको मैंने जान दिया तो इसलिए मैंने इसको मारा नहीं था, वरना मैं इसके पीछे जाता। जब इसने गो बोल दिया तो मैं दोबारा वापस इसे आया और इसको मैंने दोबारा से मारा। मैं कह रहा था कि मैंने इसको एक और बार मारा, पर अपनी ओम में बस 1 एमओ बची थी। फिर मैं घूम के थोड़ा आया कि मैं इधर से देखूंगा, कि मुझे तो यही लगा कि वो अभी स्पॉन हुआ होगा, लेकिन वो जल्दी से स्लाइड मार के थोड़ा आगे चला गया था वहाँ की तरफ। मैंने इसको यहाँ से देखा लेकिन मैंने शॉट लिया, लेकिन मेरी थोड़ी मूवमेंट हल्की थी तो इसकी वजह से उसको तो नहीं लगा, लेकिन उसने मुझे मार दिया। उसके पास वो एडवांटेज आ गया, लेकिन मैं जल्दी से हील हुई। और लेकिन मैं जब उसके आगे गया, मैं इसको या एम लेने ही वाला था, उतनी देर में उसने भी मुझे मार दिया। और अब मेरे 6 पॉइंट्स हैं और उसके 4 पॉइंट्स है। अब मैं थोड़ा घूम के जा रहा था ताकि उसको मेरा पता नहीं चले, और मैं उसके पीछे से आके उसको मारने की कोशिश करूं। फिर मैं घूम के गया लेकिन उसको मैं दिखाई नहीं। फिर मैं उसको ढूंढने ही लगा कि ये काम मिलेगा मुझे,
फिर मैं थोड़ा जब आगे यहाँ से घूम के आगे जाऊंगा तो वो पीछे से मुझे दिख जाएगा आते हुए ये। और मैंने भी इसको एक शॉट लिया चेस्ट पे, उसने भी एक शॉट लिया। फिर हम दोनों की दोबारा से फेस टू फेस फाइट होने लगी। जैसे ही मैं इधर आया जब मुझे लगा ये बीच में से आएगा, लेकिन उस साइड से निकल के उसने मुझे मारा। और अब उसके 5 पॉइंट्स हैं, मेरे 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। अभी भी मैं 1 की लीड में हूँ, तो मैं ये गेम जीत सकता हूँ। तो अब मैं दोबारा स्पॉन होके आगे आया बीच में अगर वो मिल जाए, लेकिन कोई गन भी नहीं मिली और वो भी नहीं मिला। फिर जब मैं आगे इस तरफ आया कि इस तरफ वो रुका हुआ हो, तो इस तरफ भी नहीं था, लेकिन वो मेरी स्पॉन की तरफ से आ रहा था। तो मैंने उस पर शॉट लिया, लेकिन वो थोड़ी पीक ले रहा था तो उसको लगी नहीं। फिर जब दोबारा इसने पीक लेके मुझे मारने की कोशिश की, तो मैंने बहुत बाहर आके मैंने इसको भी मार दिया। अब मेरे 7 पॉइंट्स हैं, उसके 5 पॉइंट हैं। मैंने उसकी गन उठाई और गन को रिलोड किया पहले, ताकि उसके सामने जाऊँ तो मेरे पास दो दो गन्स हों। जब मैं दूसरी रिलोड करता वो पीछे से आ गया एकदम से। फिर मैंने उसको पीछे से जब वो आया तो मैंने एक मिस किया, लेकिन दूसरे वाले शॉट में मैंने उसको भी मार दिया। और अपनी गन को दोबारा रिलोड करके मैं आगे जा रहा था, उतनी देर में दोबारा स्पॉन हो गया और मैंने उसको हेड ले लिया और अपने मज़े। और अब हमारे 9 पॉइंट्स हो चुके हैं, उसको मैंने 5 पे अटका दिया है। मैंने एकदम से 4 की स्ट्रीक मार दिया है और ये दोबारा से आगे आया, तो मैंने जैसी एम लिया वैसी उतनी देर में उसने मुझे मार दिया। फिर मैं दोबारा से स्पॉन हुआ और मूवमेंट की ग्लिच की वजह से मैं ऐसा कम चल पा रहा था, मुझे स्लाइड ही मारनी पड़ रही थी ज़्यादातर। और फिर मैंने यहाँ पे आके देखा तो वो पीछे था मेरे। फिर मैंने एक शॉट लिया, फिर दूसरा शॉट लिया, ये भी मिस हो गया। फिर मैं स्लाइड ज़्यादा मारता ताकि उसका एम मुझ पर नहीं जाए, और यही हो रहा था कि मेरा भी एम ही जा रहा और उसका भी एम नहीं जा रहा मुझ पर। फिर मैंने इतने मिस कर लिए, फिर मेरा रिलोड लगा और उसकी दोनों गन्स पे रिलोड आ गया, तो मुझसे भागने लगा। फिर जब वो घूम के थोड़ा रुका है रिलोड करने, उसी टाइम पे मैंने शॉट लिया और उसको भी मार गिराया। फिर उसकी गन को मैंने उठाया और दोनों गन्स को तो पहले मैंने रिलोड कर लिया जाते जाते, ताकि वही हो कि उसके सामने मुझे कुछ ना रिलोड करना पड़े। और वो ऊपर चढ़ा हुआ था, मैंने उसको वहाँ बॉडी मारी तो वो डर के नीचे गिरा। और फिर मैंने यहाँ से शॉट लेने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब अंदर हो गया और उसने मुझे एक मार दिया। फिर वो स्लाइड मार के निकला और यहाँ पे मेरा गेम लैग हुआ बहुत, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा लैग हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सही करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अटक गया था, तो उसकी वजह से उसने मुझे मार दिया। मतलब मेरी स्क्रीन में वो अटक रहा था, तो उसने उसका एडवांटेज लेके मुझे मार दिया। और अभी भी मैं 3 की लीड में चल रहा था और उसने एक और मार दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 की लीड में हूँ। फिर मैं पीक लेके खड़ा हुआ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के उसने मुझे एक शॉट मार लिया, लेकिन मैं मरा नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे एक और शॉट लिया, ऐसे ही करते करते ना यहाँ पे वो मुझे मार देगा, क्योंकि मैं बहुत ही उसके पास पास रह के कर रहा था, मतलब शॉट ले रहा था, तो उसके बाद एडवांटेज था, उसने मुझे यहाँ पे मार दिया था। यहाँ पे उसने मुझे मार दिया था, एक और किल उसका हो गया था। अब उसके 9 पॉइंट्स हैं, मेरे 10 पॉइंट्स हैं। मेरे पास सिर्फ 1 की लीड है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे अपना रिवेंज लेते हुए उसको मारा और मेरा एक और पॉइंट्स बढ़ चुका है। और मैंने दूसरी गन को अपनी रिलोड किया, और दूसरी पहली गन तो मेरी वैसी रिलोड थी। फिर मैंने यहाँ से इसको आते हुए देखा, मैंने सोचा यहाँ से पीक लेगा, मैंने शॉट लिया लेकिन नहीं निकला। फिर मैं थोड़ा स्लाइड मार के आया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, उसने निकल के मुझे यहाँ पे वो ओम ले आया था, लेकिन मैंने अपनी सारी एमो जैसी हुई फिर मैंने जल्दी से दूसरी कार 98 अपनी स्विच की और उसको भी एक टपकाया। तो गाइस ये मैं कह रहा था कि मैंने इसको यहाँ पे मारा, वो आम थी उसके बाद फिर भी तो वो स्पॉन होके आया। मैंने एक शॉट लिया, वो मैंने पीक लिया था, लेकिन वो बहुत आगे निकल के उसने मारा, तो मेरा एम नहीं हुआ उसके ऊपर मारने के लिए और मेरा इधर एम मिस हो गया। मैंने जल्दी जल्दी रिलोड की ताकि मेरी एक गन आती रहे मेरे हाथ में। और फिर मैं दोबारा से आए, मैंने इधर इसको हेड लिया, ये बैठा हुआ था एक ही जगह पर, और मैंने इसको यहाँ से हेड लिया, दोबारा रिलोड की। और जब ये रिलो आएगा दोबारा से ना,
किसने चीटिंग से एक और पॉइंट्स लिया था, अभी देखते हैं। और एक यहाँ पे इसने ट्रिक की थी कि वो इधर ट्रिक होती है, मैंने इधर से मारने की कोशिश की खड़े होके, लेकिन नहीं लगी और उसने चीटिंग करके एक पॉइंट लिया। और यहीं पे हमारा गेम प्ले ख़त्म होता है। ऐसा लगा आपको मेरा गेम प्ले आप ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा।